दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक मॉल में बड़ा हादसा हुआ है। छत की ग्रिल गिरने से मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है। हादसा मॉल के वॉकिंग कॉमन एरिया में हुआ और अभी तक मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की यह घटना है। इस मॉल में ये ग्रिल गिरा और यहां पर दो लोग नीचे थे, उसी ऊपर उनके गिरा और मौके पर उनकी जान चली गई। ब्लू सफायर मॉल बताया जा रहा है, यहां कॉमन एरिया में यह हादसा हुआ है। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चलिए हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या बताया जा रहा है, किस तरह से हादसा हुआ है और कौन है ये लोग, शिनाख्त हो पाई है, क्या कह रहे हैं मॉल प्रशासन और पुलिस? पहचान हो पाई है, जिनमें एक बताया जा रहे हैं हरेंद्र भाटी, जो कि विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और दूसरे शख्स भी हैं वो उनके साथ है, उनका नाम बताया जा रहा है शकील। तो ये दोनों लोग वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, और इनके ऊपर जो छत है वहां पर कोई लोहे का स्ट्रक्चर था। अब वो स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा नीचे गिरता है, जिसके नीचे हरेंद्र और शकील दोनों लोग आ जाते हैं और तुरंत एकदम से, चूंकि मॉल है और मॉल में दोपहर के वक्त लोग भी मौजूद थे, और जब ये हादसा हुआ तो आसपास जो लोग मौजूद थे वो एकदम से घबरा गए और तुरंत कॉल किया गया, दोनों को मलबे से निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, और किस तरीके से ये हादसा हुआ इसके बारे में फिलहाल पूछताछ भी की जा रही है। जी आशुतोष, शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।